हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक हो। धन्यवाद उन सभी लोगों का जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर किया। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर भी। देखिए, मैंने हाफ स्वेटर बनाया है। अभी तक मैंने कोई हाफ स्वेटर का डिज़ाइन नहीं डाला, ये पहला है। तो अगर आप चाहते हैं मैं और डिज़ाइन डालूँ तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। देखिए, हाफ स्वेटर में मैंने 100 फंदे डाले। आप अगर इससे बड़ा बनाएं तो 110 डाल लें। यहाँ मैंने 11 फंदे बढ़ाए, 9 फंदे सीधे रखे, एक उल्टा। इधर से उल्टा जो है वो इधर सीधा आएगा। अगर आप ये उल्टा सीधा नहीं रखना चाहती हैं पूरा प्लेन, तो पूरा प्लेन रख लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। इसके लिए हमें 400 ग्राम ऊन चाहिए। चार गोले हैं, 12 बॉर्डर के लिए, 4 सिलाइयाँ हमें चाहिए गला बनाने के लिए। गला आप 2 से भी बना सकते हो, लेकिन वो जोड़ आएगा और पूरा सही नहीं आता, बी गला जैसे होना चाहिए। 10 नंबर की सिलाइयों से ये मैंने बनाया। ये बॉर्डर मैं पहले भी बना चुकी हूँ, आप सिंपल बॉर्डर चाहें तो सिंपल बना लीजिए, अगर ये रखना है तो ये रखिए। लेकिन 9 फंदे ये सीधे, 1 उल्टा, दस्ते सीधे थे इधर उल्टे, वैसे ही डालें जैसे उल्टी सीधी सिलाइयां बनाते हैं। एक उल्टा था, एक सीधा। लंबाई आपको अपने हिसाब से जितनी रखनी है, इसकी लंबाई पूरी हो गई। और मुद्दे घटाएंगे, 4 3 2 1, एक दो तीन चार, देखिए अभी सीधी तरफ से नहीं, उल्टी तरफ से एक सिलाई इसमें फंदे उठाएंगे। पीछे हमने 11 फंदे उठाए, इसमें हम 19 फंदे करीब उठाए। पहले हिसाब लगा लें कितने में, 5 में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 5वें पे एक फंदा उठेगा, 2 3 4 और ये 5वां, ऐसे 1 2 3 4। यहाँ से ये उठा लें, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे मोड़ के भी, जो आपको कंफर्टेबल हो। अब ऐसे 19 फंदे उठा लें, ये 10 नंबर से उठा रही हूँ फंदे। अब 10 नंबर की सिलाई से ही बनेगा ये, या फिर आपकी ऊन जैसी हो उस हिसाब से, 2 3 4।
ये 119 फंदे हैं, क्योंकि ये बिनाई जो है फैलती नहीं है। देखिए अब इसका हिसाब लगाइए, आप जैसे जितने फंदे हैं आपके उस हिसाब से आप बिनाई डालिए। ये फंदा मुझे एक बीच में चाहिए, इसी पे हम बी गला बनाएंगे। तो यहाँ बीच में ये रख के फिर इधर इधर बिनाई डालेंगे। ये दो दो फंदे की बिनाई है, दो उल्टे दो सीधे, एक बीच में ये जो ऐसे चलेगा, इस यहाँ तीन है ये एक है, बस इतना फर्क, ये तीन ये एक, बाकी ये सब दो दो दो, ये दो, ये एक के तीन होंगे और तीन का एक होगा, इधर तीन का एक। तो पहले हम हिसाब लगा के बीच का एक फंदा कर, एक कम 60 इधर, एक कम 60 इधर, ये बीच का एक फंदा, इसमें हम निशान लगाएं। ठीक है, अब देखिए ये एक सीधा, दो उल्टे दो सीधे, दो उल्टे दो सीधे, ऐसे हम हिसाब लगा के फिर ये डिजाइन डालें। देखिए एक सीधा तो ये 7 बार हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, फिर ये ऐसे गिन लीजिए, अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 3 सीधे, फिर 7 बार ऐसे बनाएंगे, फिर 1 आएगा। अब इसमें देखिए 2 उल्टे 2 सीधे, एक दो तीन चार पाँच, इधर 5 आ रहा है क्योंकि फंदे कम है। अब ये 3 सीधे, फिर 2 उल्टे, साइड में 2 उल्टे 2 उल्टे, फिर 7 बार 2 उल्टे 2 सीधे, 2 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब 1 सीधा, 3 सीधे आए तो 1 सीधा आएगा, फिर 7 बार 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, अब 3 सीधे, 1, 2, 3, फिर 7 बार, फिर 1 ही आएगा, 2 उल्टे। देखिए 3 के बाद 7, 1 के बाद 7, ये 2 उल्टे, रेखी सीधा। फिर वैसे 2 उल्टे 2 सीधे, 1 सीधे के बाद ये आधे फंदे, इधर आधे फंदे, जैसे हमने इधर आधा गिना सेम ऐसे आधा इधर गिनना। इधर 2 उल्टे शुरू में आए थे, इधर भी 2 उल्टे, यार उल्टी तरफ से उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा। अब ये 2 उल्टे थे, ये सीधे हो जाएंगे। देखिए बहुत ही सीधा सिंपल डिजाइन है, लेकिन थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हमने ये 2 सिलाई बनाई, एक इधर से एक उधर से, 2 अभी और बनाएंगे यानी कि 4, फिर इसे पलटेंगे। पलटना नहीं है, केवल एक एक फंदे का आगे बढ़, जैसे ये फंदा है ये बनेगा इसके ऊपर, इधर साइड में देखिए ये उल्टा है, ये बनेगा इस पे उल्टा है, ये 2, 4, 4 के बाद हर बार ऐसे डिजाइन पलटे,
वो उल्टी तरफ से सेम उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा है। अब ये दो सिलाई हमने बना ली, दो और बनाए, ये चार सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। ये देखिए, देखिए अब क्या है, ये दो उल्टे हैं, एक एक करके सीधा हो जाएगा। यहाँ अगर यहाँ सीधे होते तो उल्टा होता, अब ये एक सीधा होगा, अगले चार सिलाई के बाद ये दो सीधे हो जाएंगे, ये एक सीधा हो गया, अब ये वाला कट जाएगा तो उल्टे आ जाएंगे, ये दो सीधे, ये दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, अब ये तीन सीधे, ये एक सीधा हो जाएगा, तीन सीधे में एक सीधा, ये देखिए एक सीधा है, एक उल्टे का सीधा है, एक दो, तीन सीधे थे, अब एक बचेगा, एक सीधा, ये दो उल्टे, दो सीधे, बस चार सिलाइयों के बाद ही पलटना है। अब ये एक सीधा था, ये तीन सीधे हो जाएंगे, अब ये हमारा बीच का एक सीधा आ गया, ये एक सीधा है, यहाँ तीन सीधे आ जाएंगे, तीन सीधे का एक सीधा होगा और एक सीधे के तीन सीधे, फिर वैसे ही दो उल्टे दो सीधे, ऐसे हमें चार सिलाइयाँ करनी। फिर ये चार सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई, पहले एक उल्टा था, अब दो उल्टे हो गए। दो उल्टे, फिर वैसे ही दो सीधे, यहाँ तक ऐसे ही बना, एक उल्टा है, ये तीन सीधे हो जाएंगे, दो उल्टे हो गए, ये तीन सीधे, अब ये हमारा ऐसे मंदिर की तरह बन गया। अब फिर यहाँ दो उल्टे, फिर दो सीधे, ऐसे बनाए, अब ये तीन उल्टे थे, ये दो उल्टे होंगे, एक ही सीधे पे इधर, एक उल्टे पे ही, बीच का सीधा, ये फिर दो उल्टे, देखिए एक उल्टा था ये, और यहाँ एक सीधा, तीन उल्टे थे, फिर वही दो उल्टे दो सीधे, अब ऐसे ही फिर चार सिलाई रिपीट करेंगे, उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा, एक उल्टा तीन सीधे, जैसे हमने यहाँ किया, ये तीन सीधे हो गए, ये चार सिलाई कंप्लीट हो गई। अब देखिए जैसे हमारे यहाँ तीन थे, वो तीन ही आ गए, अभी हमें यहाँ से ऐसे रिपीट करना है, जैसे ये तीन है, फिर एक आया, फिर तीन उल्टे, फिर दो दो सीधे, एक उल्टा तीन, ऐसे इधर देखिए एक सीधा था, फिर ये एक सीधा यहाँ आ गया, अब ये ऐसे रिपीट होती रहेगी। एक सीधा, दो सीधे, एक उल्टा, दो उल्टे, अब फिर एक सीधा आएगा इधर, शुरू से यहीं से होगी, दो उल्टे दो सीधे, ये तीन में एक, फिर दो उल्टे एक सीधा, दो उल्टे, एक सीधा है, तीन सीधे, देखिए 17 इंच से करीब है, हमें 18 करीब चाहिए, या आपको जितना लंबा रखना है आप उस हिसाब से रखिए। अभी आधे फंदे मैंने इधर रख दिए, आधे इधर, अभी मुड्ढा नहीं घटाया है, चार सिलाई और बना के फिर मुड्ढा घटाएंगे, पहले गला घना है। ये देखिए यहाँ पे बीच का फंदा आएगा, ये बीच,
आधे हमने इधर करे आधे इधर। ये है बीच का फंदा, इसमें हम पिन लगा देंगे। ये दो का एक कर दिया, ये हमारा गला बनाना शुरू हो गया। अब मैं इधर दूसरा गुल्ला लगाऊंगी, दोनों साथ में बनाऊंगी। अब इससे क्या होगा, आपने कहाँ फंदा घटाया इससे पता रहता है। अगर आप एक बनाना चाहें तो एक बना दीजिए। ये दो का एक इधर, इधर भी दो का एक किया। अब ये गुल्ला लगाया, इससे इधर का बनाएंगे, उस वाले गुल्ले से उधर का। अब हम जैसे डिजाइन डाल रहे थे वैसे ही डिजाइन डालें। देखिए उल्टी तरफ से फंदा नहीं घटाएंगे, सीधी तरफ से ही घटाएंगे। अभी मुड्ढा भी नहीं घटाया, ये चार सिलाइयां बनाने के बाद मुड्ढा घटाएंगे। अब इस वाली ऊन को यहीं छोड़ देंगे, इस वाली ऊन से घटाएं बनाएंगे। इससे आपको नापने में भी प्रॉब्लम नहीं होती और फंदे भी बराबर से घट जाते हैं। देखिए फिर सीधी सिलाई में दो का एक इधर। आप ऐसे भी घटा सकती हैं ऐसे। अभी चार सिलाई हमारी इसमें कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हम मुड्ढा घटाएंगे, 4 3 2 1, इस ऊन से इधर, इस वाली ऊन से इधर। एक दो एक तीन चार। अब जैसे हम डिजाइन डाल रहे थे वैसे डिजाइन डालते रहे। ये दो सीधे हो गए। अब यहाँ एक फंदा घटाएं, एक कम हो गया एक फंदा। 4 3 2 1 इधर घटाएंगे, फिर इसको बराबर ऐसी डिजाइन डालते रहेंगे। जब हमारे फंदे यहाँ थोड़े से रह जाएंगे तब हम तीसरी चौथी सिलाई पे घटाएंगे। इधर ऐसी दो का एक किया, अब इस वाली ऊन ये इधर आ गई। अब इससे ये घटाएंगे, एक दो तीन चार, ऐसे हम 4 3 2 1 करके बंद कर। ये मुड्ढे के फंदे हमारे घट गए, 4 3 2 1। और यहाँ हर सिलाई में घटाएं सीधी तरफ से, ये 40 फंदे अब बचे। अब एक सिलाई छोड़ के जैसे ये सीधी जाएगी इसको छोड़ देंगे, यहाँ नहीं घटाएंगे, अगली जो सीधी आएगी उसमें अब घटाएंगे। ऐसे हम ऊपर तक घटाएंगे तब इसका ये सेफ आएगा। देखिए देखिए पहले हमने हर सीधी सिलाई पे घटाया, अब यहाँ पे दो सीधे ऐसे ही बनाए। अगली जो सीधी आएगी उस पे हम घटाएंगे, तो यानी एक सिलाई हम ऐसे ही
तीसरी सिलाई पे एक फंदा यहाँ घटाएंगे, इधर भी ऐसी बनाएंगे, ये दो उल्टे ये दो सीधे, देखिए पहले नहीं घटाया था एक सीधी में, अब ये दूसरी सीधी आई है इसमें, ऐसे हम ऊपर तक हटाएंगे। आठ इंच मुद्दा है इसका, पूरी लंबाई 25 है, पीछे का भी इसका बराबर हो गया। अब इसे उल्टा ऐसे करके इसके कंधे जोड़ देंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 26 फंदे, 26 इधर है 26 इधर, ऐसे हम दोनों कंधे जोड़ देंगे, जितने पीछे के बचेंगे गले के वो गले में जोड़ देंगे यहाँ के बीच के। ये फंदे सारे हैं एक सिलाई में कर लेंगे और बाकी इधर 26 जोड़े। सत्तर फंदे इधर उठाएंगे, 70 इधर, पीछे कितने फंदे हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। एक फंदा इधर उठा लेंगे, एक इधर, ऊन हमारी इधर है तो ये देखिए यहाँ से एक फंदा हम उठाते हैं, वो इसको पहले सीधे फंदे दिए, इसे घुमा के ऐसे लेंगे जैसे जाली ना पड़े, ये पूरे फंदे सीधे बनाए। अब जैसे हमने इधर साइड में उठाया वैसे इधर, ये फंदे का भी ध्यान रखिए इधर निकल ना जाए, कोई चीज़ लगा भी सकती हैं आप इधर, रबड़ रबड़ जिससे फंदे निकल ना जाए।
हर सिलाई का एक फंदा हमें उठाना है, यानी एक की जगह से दो दो बार, तो उससे झोल आएगी। वो गला मेन होता है, अगर गले में फिनिशिंग नहीं है तो पूरा स्वेटर बेकार हो जाएगा। देखिए हम यहाँ ऐसे उठाने में दिक्कत हो रही, तो उसके लिए रेशा लीजिए, अब जैसे हमने इसमें से फंदा उठा लिया, और फिर इसमें से उठाएंगे तो डबल फंदा हो जाएगा, उससे क्या होगा गले में झोल आएगी। ऐसे हम यहाँ तक इस सिलाई में उठाएंगे, ये जहाँ हमारी लगी। पाँच, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, एक कम 70। एक फंदा हम कहीं से उठा लेंगे बाद में, जहाँ गैप होगा थोड़ा सा तभी उठाएंगे। अभी इसे ऐसे ही रहने देंगे, जैसे हमने यहाँ फंदे उठाए वैसे ही इधर उठाए, सलाई अलग लगा के। अब इसका ध्यान रखेंगे फंदे निकलना, इसको ऐसे ही रखेंगे। दस, 15, 20, 25, 30, इधर 70 पूरे। अब देखिए इधर हमने जो फंदा बनाया था, सीधा फंदा हमने ऐसे मोड़ के लिया था, क्योंकि उल्टी तरफ से फिर सीधा आया तो उसे घुमा के लिया, लेकिन इसमें सीधे सीधी लाइन चलेंगी, उल्टी चलेगी नहीं, इसलिए हमें उल्टा फंदा भी मोड़ के ही लेना है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो आप सीधा उल्टा एक बॉर्डर वाला ही बना सकते हैं। अभी देखिए इसमें ऐसे सीधा भी लिए घुमा के, और ये उल्टा भी ऐसे।
उल्टा ऐसे। यहाँ पे इतना गैप है, यहाँ एक फंदा, ये ऐसे, जैसे आपके कम पड़े तो यहाँ इतनी जगह गैप है, तब आप यहाँ से उठा सकते हैं। देखिए एक फंदा हमने यहाँ रहने दिया, अब इसको इस वाली सिलाई में कर लेंगे। हर बार ऐसे ही करना है जब तक हमें घटाना है। अब इसको आगे आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं या लगा रहे। अब ये एक इधर का जी आगे हो गया, और एक फंदा हमने ये डाला, ये और एक ये इधर का, ये तीन का एक करना है। इस फंदे को हमें ऐसे ही बनाना है, ऐसे, इसको ऐसे नहीं करना है। यहाँ सीधा सीधा है तो ये भी सीधा ही करना है हमें। ये सीधा फंदा है, इसको घुमा कैसे, ऐसे हमें पूरी लाइन बनानी है। फिर यहां तक वैसे ही घटेगा, 9 सिलाइयाँ कम से कम बनानी। 2 4 2 3 6, 2 4 8, 8 सिलाइयाँ ये पूरी होगी, ये 9वीं सिलाई है। इसके बाद 4 सिलाई सीधी सीधी बनाएं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ से शुरू किया था बनाना, ये 9 सिलाइयाँ पूरी हो गई, 2 4 2 3 6 4 8 1 9। अब ये उल्टा फंदा हम ऐसे उतार लेंगे इसको,
और ये ऊन पीछे सीधा फंदा बुनेंगे, सीधे ऐसे। अब ऊन आगे उल्टा ऐसे उतारा, इसको सीधा, चार सिलाइयां हमें ऐसे ही बनानी है। सीधा फंदा बुनना है, उल्टा फंदा ऊन आगे करके ऐसे। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो आप उल्टे फंदे सुई में पिरो लीजिए धागे में, और सीधे सीधे फंदे बना लीजिए। ये दूसरी सिलाई है, ऐसे चार सिलाई बनेंगी। ये दूसरी बना के फिर दो और, फिर गला सिलेंगे। देखिए ऐसे चार सिलाई का, ये चार सिलाई कंप्लीट हो गई। देखिए ऊन मैंने ये थोड़ी लंबी रखी है, इस मारे की गांठ ना है। ये देखिए ये पहला फंदा लिया, इसको तो ऐसे, इसको ऐसे घुमा के, अभी आधा फंदा इससे पहले बता चुकी हूँ। ये वैसे ये आधा है, और ये इसका पीछे, और ये उल्टा फंदा। इसको उल्टा फंदे को इधर से घुमा के लेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे। देखिए ये ऐसा है, एक मुड्डा ये बना दिया मैंने। जितने फंदे हमने यहाँ 70 उठाए, 70 ही फंदे इसमें उठाए। एक दो फंदे कम या ज़्यादा इससे कोई फर्क, मगर होने बराबर चाहिए। 70 इधर है तो 70 इधर।
हमने चार फंदे घटाए थे तो चार उठाने पूरे। ऐसे में 70 इधर 70 उधर उठा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 70 इधर उठाने। अब जैसे हमने गले में बनाया दोनों तरफ से वैसे ही बनाएंगे, और जितनी सिलाई हमने इसमें रखी है 9, तो 9 ही रखनी है इसमें। पीछे इस वाले में मेरे पीछे के हिस्से में 1 70 से 1 फंदा कम है, इस तो मैंने इसमें भी ऐसे ही रखा, इसमें 1 कम 70 थे तो इसमें भी बराबर। अब ऐसे हम 9 सिलाई बनाएंगे, फिर 4 प्लेन, फिर बंद करेंगे। ये 9 सिलाइयाँ पूरी हो गई, फिर ये 2 सिलाइयाँ हमने उतारी हैं सिर्फ, एक सीधा उतार बिनना है, उल्टा उतारना है। उधर से उल्टा बिना जाएगा, इधर से सीधा। सेम गले के जैसा हम बनाएंगे 4 सिलाई, और इधर से उल्टा उधर से सीधा फंदा उतार। ये भी धागा बड़ा ही काटेंगे, गांठ ना है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसको ऐसे करके दोनों को सिलना। ये ध्यान रखिए यहाँ से गैप है जो, इसको भी मिला के सिलना दो। इसको ऐसे जोड़ के ऐसे हम पूरी सिलाई लगाते हैं दोनों तरफ। ये ऊन खत्म हो गई मेरी, ये इधर है। देखिए इधर की भी सिलाई लगा दी। स्वेटर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट।
भी करें। ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का। जल्दी मिलती हूँ अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।